गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और फिलहाल मैं हूं अभी गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में, और आज मैं जा रहा हूं बहुत यूनिक जगह पे जिसका नाम है लकी रेस्टोरेंट। वो डिटेल में आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों वो यूनिक है। और फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वाड़ज का मेट्रो स्टेशन है, और मैं जाऊँगा मेट्रो ले कर यहाँ से घी कांटा, जो वहाँ से नियर बाई मेट्रो स्टेशन है। तो चलिए पहले चलते हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर ना देखते हैं फ्रिक्वेंसी कितना है और कैसा है। तो ये वाला मेट्रो स्टेशन है वाड़ज का। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा घी कांटा मेट्रो स्टेशन। तो अपने को घी कांटा है, टाइम हो रहा है अभी 10:45, तो होप्स हो के जल्दी पहुँच जाए। ऊपर एक्चुअली शूट नहीं करने देंगे, तो ऊपर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिलहाल अपने चल के ऊपर तो पहुँचते हैं। यहाँ से ऑनलाइन वाले के लिए इंग्लिश, तो ये वाला टिकट अपने लिया है वाड़ज से घी कांटा, तो 10 रुपया हुआ है। तो ये वाला है वाड़ज का मेट्रो स्टेशन, बाकी सब जगह जैसा ही है। यहाँ से ऊपर आए हैं, ये कुछ अहमदाबाद सिटी का नज़ारा। चलिए चलते हैं। तो अभी नियर बाय स्टेशन जो है घी कांटा मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे मैं आया हूँ, और ये बहुत कंजेस्टेड वाला है। तो ये अहमदाबाद का ओल्ड सिटी, मतलब नदी के उस तरफ जाएंगे ना, साबरमती के उस तरफ, तो आपको दिखेगा वो न्यू है। वहाँ काफ़ी सारा मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखेगा, यहाँ ज़्यादातर बड़ा नहीं दिखेगा आपको, और रास्ते भी ज़्यादा बड़े हैं नहीं। बाकी यहाँ पर ये सब शॉप है, मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। हम अभी जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट है, एक नूरानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मस्तबन खाने। वहाँ का मस्तबन बहुत फेमस है, तो सोचे कि पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर लकी रेस्टोरेंट। तो वॉकिंग डिस्टेंस था, इसीलिए सोचा कि चलो पहले वहाँ ही चले जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, ये ओल्ड है ना, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा सारे शॉप, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा नहीं नया, क्योंकि सारे पुराने हैं शॉप भी। और हम जा रहे हैं लाल दरवाजा की तरफ, तो वहाँ देखते हैं। मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। नीरानी रेस्टोरेंट है ना, यहीं पे हमें जाना है। मेनू है, ये सब नॉन वेज आइटम है, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे सिर्फ ये मस्तबन। ये 45 है, और बाकी भी वैरायटी है। ठीक है, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। तो अभी ये मस्तबन हमने मंगाया है, चाय तो एक्चुअली वहाँ जाके पियेंगे लकी पे। तो ये मस्तबन है, और ये 45 का है, तो नॉर्मल वाला ही है। ठीक है, चलिए। ये है लाल दरवाजा, ये था ईरानी। यहाँ पे हमने सिर्फ मस्तबन खाया था, जो मैंने आपको बताया। अभी चाय पीने जा रहे हैं लकी रेस्टोरेंट। यहाँ चल के भी ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी लेके आप नहीं आ सकते हो, अगर टू व्हीलर है तो ठीक है। ये लाल दरवाजा का मार्केट है, सालों से ये मार्केट चलता है, और आज है सैटरडे, संडे को तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहता है। फिर पहले ऐसा नहीं था, अभी काफ़ी डेवलप कर दिया है। तो आप देखेंगे ना, जहाँ भी देखेंगे आपको ठेले वाला ही दिखेंगे चारों तरफ। (स्थाथ)
यहाँ पे ना एक फेमस भद्रकाली मंदिर भी है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, वो लाल दरवाजा के अंदर ही है, तो सोचा वहाँ भी विजिट कर लेते हैं, उस बहाने दर्शन भी हो जाएगा। वो काली माँ का मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर शूट नहीं करने देंगे पर बाहर से मैं आपको बता दूंगा। यहाँ एक फॉल्ट भी है पर अभी वो विजिट के लिए नहीं है, उसको आप बस ऐसे बना के रखा है। बाकी ये गेट है अहमदाबाद, पहले ये जो गेट दिख रहे हैं आपको सारे, ये गेट के अंदर अहमदाबाद था, उसके बाहर नहीं था, तो गेट अच्छे सजा के रखे हैं पर मेंटेन करके। और यहाँ सारे ठेले वाले आपको दिखेंगे, कल तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगा, आज सैटरडे है इसीलिए। ये है मंदिर भद्रकाली माता, यहाँ पे काफ़ी सारे मूवी का भी शूट होता है। भद्रकाली पे दर्शन तो कर लिए है, अभी हम जा रहे हैं लकी रेस्टोरेंट, तो देखते हैं। बहुत आवाज़ आ रहा है, पता नहीं मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये वाला जो इसके अंदर है ना, जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, वो है सीदी सैयद मॉस्क, वो भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है अहमदाबाद का। आप जब भी सर्च करेंगे अहमदाबाद टूरिस्ट प्लेस, तो उसमें ये वाला आपको पहले ही दिखाएगा, बहुत फेमस है। और यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है, तो आप विज़िट कर सकते हो। ये सीदी सैयद मॉस्क है, आप सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा। ये लाल दरवाजा के अंदर है, घी काटा जो मैंने बताया मेट्रो स्टेशन, वहाँ से भी आप आ सकते हैं या फिर ऑटो लेके भी आ सकते हैं। ऐसा है कुछ, बहुत ही अच्छा है, बहुत देख सकते हैं नज़दीक से, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। और बिल्कुल इसके जैसे ही सामने जाएंगे ना, वहीं पे आता है अपना लकी रेस्टोरेंट उस तरफ, जैसे ये मॉस्क है और इधर आएगा आपका लकी रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ से हम आए हैं और ये वाला है रेस्टोरेंट, तो यहीं पे हम जाएंगे और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये जो लकी रेस्टोरेंट है ना, तो यहाँ आप मस्का बंद और चाय भी आप कर सकते हो, नाश्ता वाला कैफ़े में जो होता है, और आप खाना भी खा सकते हो। तो एक वाला जो जगह है साइड में जो आपको दिख रहा है, वो चाय और मस्काबन के लिए है, और दूसरी तरफ का जो है वो आपका खाने के लिए है। और यहाँ कुछ 21 जितने आई थिंक, मेरे मैंने प्रॉपर तो नहीं गिना है पर 21 जितने तो है ही यहाँ जो। तो ये श्मशान के बीच में है, पहले यहाँ श्मशान था, उसके बाद यहाँ पे कैफ़े बना गया। ये थीम नहीं है, ये रियल है। ये लकी रेस्टोरेंट का कुछ मेनू है, चाय का मस्का बन वही है, कैफ़े जैसा ही है, हाँ वैसा कुछ मेनू है। हमने ये वाला मंगवाया है, मसाला टी। अभी हम लकी रेस्टोरेंट से तो निकल गए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ वापस मेट्रो स्टेशन। तो ये था लकी, ये रहा, ये था यहाँ से हम आए थे, और ये रहा मॉस्क जो मैंने आपको बताया, सीदी सैयद मॉस्क। अभी अंदर नहीं जा सकूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो और धूप का टाइम है, इधर हो गया ना, और टाइम कितना हो रहा है अपना,
एक बज रहा है, तो एक तो बज ही गया है, ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। खुद का व्हीकल लेके आओगे ना तो दिक्कत होगा आपको, तो प्रीफर करो कि आप ट्रांसपोर्ट लेके आओ। यहाँ जब भी आएंगे ना टूरिस्ट प्लेस, मतलब टूरिस्ट प्लेस है ना, तो टूरिस्ट तो आपको दिख ही जाएंगे, ऐसा दिखता है कुछ। ये वाला जो है ना जगह, ये वाला वो आपको गुजरात का अगर कुछ होगा ना तो उसमें आपको पक्का दिखने मिल जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हैं, ट्रैफिक तो यहाँ हमेशा ही रहता है, और नज़दीक में कुछ पार्किंग है नहीं कि आप पार्क करके देख सको, इसीलिए फिर मैं मेट्रो से आया हूँ। तो सीधा मेट्रो से जाएंगे तो अच्छे से हम घूम पाएंगे। तो बस फाइनली हम दो तीन जगह जाके आ गए, बस अब मेट्रो लेके हम वापस जाएंगे, तो वापस वहीं पे हम आ गए हैं घी काटा वाला मेट्रो पे। ये वाला है मेट्रो स्टेशन, अलग अलग गेट है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से ही एंट्री करें। स्टेशन ये अंडरग्राउंड है एक्चुअली, बाकी सब जो स्टेशन है ना वो बाहर है। एक दो स्टेशन जो अहमदाबाद में है वो अंडरग्राउंड है, तो आपको ऊपर से ऐसे नीचे आना पड़ेगा। जैसे कोलकाता में आपने देखा होगा उसमें भी अंडरग्राउंड है ज़्यादातर। क्या चाहिए? जीराट पार्क हो रहा है? हाँ नहीं, अगली बार ही वो ही रहता है, याद रहेगा ना कहाँ पे क्लिक करना अगली बार, ढूंढना पड़े ऐसा। हाँ ये यहाँ घूमना पड़ता, अगली बार दिमाग में घूम। मेरा भी 15 रुपये का ही है। तो ये अभी मैं हूँ घी काटा, अंडरग्राउंड है पूरा, ऐसा दिखता है मेट्रो। यहाँ से आप देखेंगे ये वाला एकदम साफ सुथरा है, अच्छा है। मैं एक्चुअली अंडरग्राउंड में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। और अगर जब आप जा रहे हो ना, तो जैसे कि ये दरवाजे हैं तो यहाँ स्टिकर नहीं लगा है, तो यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन यहाँ पे रुकेगी जहाँ पे ये स्टिकर आपको दिखेगा। तो आप जब आ रहे हो तो वही खड़े रहिए, और यहाँ पर टाइमिंग का भी आपको दिखेगा कि कौन सा टाइम पर कहाँ पर जा रही है, जिसको गांधीनगर जाना है उनके लिए। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो ये टाइमिंग आ रहा है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर अहमदाबाद से आपको गिफ्ट सिटी जाना है तो, या सेक्टर 1। तो ऐसा कुछ माहौल है अंडरग्राउंड का। अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज रहे हैं 1:25, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ है नहीं, सुबह ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ ऊपर से हम आए हैं,